Hey guys, welcome back to my channel and you are watching Pregnancy and Baby Care. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें स्ट्रोलर या प्रैम अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहिए, अगर खरीदना चाहिए तो किस एज के बच्चों के लिए प्रैम या स्ट्रोलर अप्रोप्रिएट रहता है, मेरे पास कौन सी कंपनी का स्ट्रोलर है, मेरी बच्ची के लिए वो कितना यूजफुल रहा, किन लोगों को स्ट्रोलर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, क्या आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं देन डेफिनेटली आपको स्ट्रोलर में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या फिर आप रहते हैं विथ फैमिली तो आपको स्ट्रोलर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मीन्स इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहा। अपना फीडबैक देने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रोलर एक्चुअली होता क्या है। स्ट्रोलर इज जस्ट लाइक अ बग्गी, जिसको हम हिंदी में बग्गी भी बोल सकते हैं। इसमें आप बच्चे को लिटाकर कहीं भी घुमा सकते हैं इजीली। होता क्या है कि जब बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद मम्मा को, बेबी को अगर बाहर लेकर जाना है, घुमाना है, तो मम्मा बहुत देर तक बच्चे को हाथ में कैरी नहीं कर पाती है ड्यू टू बैक पेन। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वैसे तो यार वो फुल्ली एक्सपीरियंस होते हैं, वो तो बच्चे को अच्छे से संभाल ही लेते हैं, लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी पर्पस क्या होता है कि बच्चे को अगर आप प्रैम में या स्ट्रोलर में लिटाकर बाहर घुमाते हैं तो आप लोगों के लिए भी वो चीज़ कन्वीनियंट हो जाती है और बच्चा भी कंफर्टेबल फील करता है। बच्चे को अगर आप गोदी में लेकर घुमाते हैं वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता है जितना अगर आप उसे स्ट्रोलर वगैरह में लिटा देते हैं, तो वो अपने आप को खुला खुला महसूस करता है और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो स्ट्रोलर का यूज़ होता है कि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तब तो मैं गई आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप स्ट्रोलर में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जैसे मैं रहती हूँ तो मेरे लिए तो यार स्ट्रोलर एक बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ रही। राव्या भी 1 ईयर प्लस की हो चुकी है, मीन्स 13 मंथ्स की है, और इवन अभी तक भी मैं स्ट्रोलर यूज़ करती हूँ, और मेरे घर में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है तो वो है स्ट्रोलर। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी मुझे कुछ काम करना होता है मैं क्या करती हूँ, राव्या को स्ट्रोलर में बैठा देती हूँ। फिर मतलब बिफोर 6 मंथ्स तो आप समझिए कि आपने कुछ भी काम करना है अपने बच्चे को स्ट्रोलर में बैठाया, बच्चा आपकी आंखों के सामने भी रहेगा, आपको तसल्ली रहेगी कि बच्चा कहीं अनसेफ तो नहीं है, दूसरा बच्चा बहुत ही कम्फर्टेबल फील करता है, और तीसरी चीज़ कि बच्चे को अगर सोना है तो बच्चा उसमें सो भी सकता है, ये नहीं कि बच्चा केवल उसमें बैठा ही रहेगा। उसमें 3 एडजस्टेबल फीचर्स होते हैं जिसमें आप बच्चे को एक में कम्प्लीटली लिटा सकते हैं, एक में आप 30 डिग्री पर बच्चे को थोड़ा सा ऐसे उठाकर बैठा सकते हैं, और फिर थर्ड पोजीशन होती है जिसमें बच्चा बैठा हुआ होता है, और इस तरह से आप स्ट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास जो स्ट्रोलर है उसका रिव्यू मैं आपको अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग जान पाएँ कि मेरे पास कौन सा स्ट्रोलर है और वो कितना अच्छा है, मीन्स आपको उसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। एंड गाइस वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा क्या पर्पस रहता है कि कम इन्वेस्टमेंट में बेस्ट चीज़ खरीदना। तो मैंने कौन सा वाला ख़रीदा, कितने में ख़रीदा, वो सब कुछ मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊँगी। फिलहाल आज के वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि स्ट्रोलर, अगर आपका घर छोटा है, मीन्स जहाँ पर स्ट्रोलर को चलाने की जगह नहीं है, देन गाइस मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट बाय, क्योंकि स्ट्रोलर इतने भी सस्ते नहीं आते हैं, तो उसकी जगह बाउंसर वगैरह भी परचेस कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेबी बाउंसर्स आते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहते हैं मदर के लिए, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका घर थोड़ा स्पेशियस है, जैसे आप सोसाइटीज़ वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पर आप बच्चे को आराम से स्ट्रोलर में डालकर घुमाने भी लेकर जा सकते हैं, आउटिंग पर लेकर जा सकते हैं, और वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाता है। मेरे केस में तो ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल रहा, जस्ट आफ्टर 1 मंथ, रव्या के बर्थ के 1 मंथ के बाद ही हम लोगों ने स्ट्रोलर परचेज कर लिया था। और गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि राइट आफ्टर बेबी बर्थ आप स्ट्रोलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल प्रोडक्ट है
ये आपका थ्रू आउट 1 to 2 years बहुत यूज़फुल होने वाला है। वैसे जो इसका लाइफ स्पैन बताया जाता है वो बोला जाता है कि बॉन्ड बेबी बॉन्ड से 3 years तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ बच्चा एक बार चलने लग जाता है ना, फिर बच्चा स्ट्रोलर वगैरह में नहीं बैठता है, क्योंकि राबिया भी खुद अब ऐसा ही है कि जब वो चलने लग गया तो वो स्ट्रोलर में नहीं बैठना चाहती है। तो आप मान के चल सकते हो कि स्ट्रोलर की लाइफ न्यू बॉर्न बेबी से आप 15 months तक मैक्सिमम मान सकते हो, इतनी ही मतलब बच्चे उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद में वो यूज़ नहीं आता है। लेकिन जो स्ट्रोलर होता है ना यार, वो मतलब एक कमाल की चीज़ है। उसके अंदर बेल्ट्स वगैरह भी दी होती हैं जिससे आप बच्चे को बेल्ट से टाई कर सकते हो, तो बच्चा सेफ बैठा रहता है। जैसे जब बच्चे उठने लगते हैं, बैठने लगते हैं, पलटने लगते हैं और थोड़ा थोड़ा क्रॉल करने लगते हैं, तब भी आप बच्चे को आसानी से स्ट्रोलर में बिठा कर अपना काम कर सकते हैं, स्पेशली जब आप अकेले रहते हैं। जैसे कि मैं अकेले रहती हूँ, मीन्स मेरी न्यूक्लियर फैमिली है मेरी, मीन्स मैं न्यूक्लियर फैमिली, जैसे कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो पूरा दिन मैं घर में अकेली ही रहती हूँ, जिसमें मुझे नहाना भी है, वॉशरूम भी जाना है, खाना भी बनाना है, तो मैं सब चीज़ें अकेले कैसे मैनेज करूँ कि बच्चे को भी देख लूँ और ये सब चीज़ें भी कर लूँ। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहा ये स्ट्रोलर। मैं आराम से रव्या को बैठा देती थी और वहीं पर किचन के पास अपने स्ट्रोलर लगा लिया रव्या का, तो रव्या मम्मा को देख रही है, वो भी उसको भी इंटरेस्ट आ रहा है कि मम्मा क्या काम कर रही है, और मतलब मेरा भी माइंड एकदम सेट है कि हाँ ये सेफ है, मेरी आंखों के सामने है। तो इस तरह से मेरा काम बहुत ही ईजी हो गया स्ट्रोलर के साथ में। इसलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि अगर न्यूक्लियर फैमिली में हो, स्पेस कम भी है, तब भी है, इसमें इन्वेस्ट कर ही लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। फिर शाम के टाइम पर, क्योंकि मेरी थी सी सेक्शन डिलीवरी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा बैक पेन अभी तक भी होता है, तो मैं तो हमेशा रव्या को स्ट्रोलर में डालकर ही बाहर घुमाने के लिए ले जाती थी। मैं भी कंफर्टेबल फील करती थी, मेरी भी वॉक हो जाती थी और रव्या भी कंफर्टेबली उसमें बैठी रहती थी। स्ट्रोलर में भी ना देखो दो टाइप के आते हैं, एक होता है रिवर्सिबल भी कर सकते हो आप, मीन्स जिसमें एक में तो क्या होता है कि जैसे आप बच्चे को ऐसे वॉकर में लेके जा रहे हो, वो सॉरी स्ट्रोलर में लेके जा रहे हो, तो बच्चे का फेस आगे की साइड में, वो आपको देख नहीं पा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बच्चा फील करता है। एक आता है रिवर्सिबल हैंडल वाले, जिसमें बच्चे का फेस आपके फेस के सामने रहता है, तो बच्चा वहाँ पर सिक्योर फील करता है क्योंकि उसको सामने उसकी मम्मा दिखाई देती है। तो मेरे पास तो वही वाला है और वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी परचेज़ करने के लिए, रिवर्सिबल हैंडल वाला। इस चीज़ को खास ध्यान रखिए, तो बच्चा काफ़ी कंफर्टेबली बैठता है क्योंकि उसको अपनी मॉम दिखाई देती है या जिसके साथ वो घूम रहा है वो दिखाई देते हैं। तो ये सारी टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। एंड यस गाइस, एक स्ट्रोलर में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छी डील रहेगी, तो आप राइट आफ्टर बेबी बर्थ स्ट्रोलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरे पास जो स्ट्रोलर है वो है लव लैब का। इवन मेरे पास बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो लव लैब के ही हैं, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, रीजनेबल रेट पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वन बाय वन करके मैं सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग जान पाएँ कि ये प्रोडक्ट्स परचेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए मुझे अभी 1 year हो चुका है, उसके बाद ही मैं ये रिव्यू वीडियोस लेकर आई हूँ ताकि मैं आपको एक्चुअल रिव्यू दे सकूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं है कि प्रोडक्ट आया, मैंने उसकी अनपैकिंग आपके सामने की और आपको बता दी कि ये बहुत अच्छा है, मैं वो सब काम नहीं करती हूँ। इवन मेरे को बहुत सारे ब्रांड्स ने अप्रोच भी किया था, एक ने मेरे को डायपर के लिए अप्रोच किया था, बट उनके डायपर जब मैंने यूज़ किए वो अच्छे नहीं थे, सो आई सेड नो कि नहीं, मैं आपका ये ब्रांड प्रमोट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत चीज़ आपको नहीं शेयर करूँगी, जो चीज़ मेरे बच्चे के लिए सेफ रही, जो उसके लिए यूज़फुल रही, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज, आप कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं एंड आगे अपना डिसीजन ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि और कौन से प्रोडक्ट्स का रिव्यू आप लोग चाहते हैं, ताकि उन टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना पाऊँ और आप लोग की हेल्प कर पाऊँ। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।